सुल्तानपुर के राजा महाराज मान सिंह के पास भगवान का दिया सब कुछ था। वो बहुत शक्तिशाली, पराक्रमी, अपनी राजा से प्रेम करने वाले एक न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। प्रजा भी अपने महाराज से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन महाराज मान सिंह अपने महल के बगीचे में अपने मंत्री सुदर्शन सिंह के साथ बैठे थे। महाराज मान सिंह मंत्री सुदर्शन सिंह से कहते हैं, मंत्री जी, मैंने अपने जीवन काल में हमेशा सबके साथ न्याय किया, सबका ख्याल रखा, कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं दी। मेरे राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता, फिर भी न जाने क्यों भगवान ने मुझे और महारानी को औलाद सुख से वंचित रखा है। महाराज, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, ये तो ऊपर वाले की लीला है। जिस दिन उसने आपको औलाद सुख देने का सोचा होगा, उस दिन बिना किसी प्रार्थना के आपको दे देगा। महाराज, पता नहीं वो शुभ दिन मेरे जीवन में कभी आएगा भी या नहीं। महाराज, अगर आपका आदेश हो तो मैं आपसे इस विषय में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। हमारी आज्ञा है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी। महाराज, मेरे एक रिश्तेदार है जो बहुत ही ज्ञानी है, अगर आपका आदेश हो तो क्या मैं एक बार उन्हें यहाँ बुला लूं? वो महारानी और आपकी पत्रिका देखकर जरूर कोई उपाय बता देंगे महाराज। जरूर मंत्री जी, अगर आपको लगता है कि ये करना हमारे लिए लाभप्रद होगा तो आप अवश्य उन्हें बुला लीजिए, और उन्हें लेने के लिए आप महल से सवारी भेज दीजिए। नहीं महाराज, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वे अपने आप आ जाएंगे, मैं कल ही संदेश भेज देता हूँ। ठीक है मंत्री जी। महाराज और महारानी के कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। इस बात का दुख उन्हें हमेशा रहता था कि उनके बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। उन्होंने बहुत उपाय किए थे पर फिर भी उन्हें औलाद के सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। दो दिनों के बाद मंत्री जी ने अपने जानने वाले पुरोहित को बुला लिया। पुरोहित महाराज और महारानी के साथ एक कक्ष में बैठे थे और दोनों की जन्म पत्रिका जांच रहे थे। क्या बात है पुरोहित जी, आप बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं और हम दोनों की पत्रिका को देखे जा रहे हैं, कुछ तो बोलिए। महाराज, आपकी पत्रिका में पुत्र दोष है जिसके कारण आपके घर पर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है और आप इस सुख से वंचित हैं महाराज। पुरोहित जी, ये तो हम पहले से जानते हैं, परंतु इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय तो है, आपको भगवान की भक्ति करनी होगी, क्योंकि एक वही है जो किसी भी तरह के दोष और अपराध को क्षमा करता है। पुरोहित जी, हम तो भगवान के आगे रोज हाथ जोड़ते हैं, लेकिन भगवान ने अब तक हमारी नहीं सुनी। महाराज, आपको भक्ति के साथ साथ विश्वास और सेवा भी करनी होगी। आप महल के बाहर एक मंदिर का निर्माण करवाइए और रोज उस मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए चलकर जाइए और भगवान की सेवा कीजिए। पुरोहित जी, क्या मंदिर निर्माण और भगवान के दर्शन से हमारा ये दुख कट जाएगा? महारानी, मैं तो सिर्फ एक साधन मात्र हूँ, करने वाला तो ऊपर बैठा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भगवान की सेवा में कोई कमी ना हो और वो सेवा सच्चे हृदय से की जाए। आप जैसा कह रहे हैं हम उस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अब मंदिर में भगवान अकेले तो रहेंगे नहीं, उनके लिए एक पुजारी का इंतजाम भी आप ही कर दीजिए। ठीक है महाराज, मेरे जानने वाले एक ब्राह्मण हैं जो बहुत ही सच्चे हृदय से ईश्वर की सेवा करते हैं, मैं उन्हें आपके मंदिर के लिए भेज दूंगा।
महाराज मानसिंह ने भगवान का एक सुंदर और भव्य मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को काम पर रखा। पुजारी अपने परिवार के साथ मंदिर में ही रहते थे और बड़े भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते थे। महाराज मानसिंह हर सुबह अपने सैनिकों के साथ फूलों की एक माला सुबह सुबह मंदिर भिजवाया करते थे और पुजारी उस माला को भगवान कृष्ण को चढ़ाते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आते तो पंडित जी भगवान के गले से माला उतार कर राजा के गले में डाल देते। ये लगभग रोज की बात थी। इस बात को बहुत समय बीत गया। एक दिन महाराज महारानी से बोले, महारानी, अब तो ये उपाय करते हुए भी काफी समय बीत रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस जीवन में औलाद का सुख मिलेगा। महाराज अब दुखी मत होइए। अगर भगवान ने हमारे भाग्य में ये सुख लिखा है तो ये सुख हमें अवश्य मिलेगा। अब तो मेरा विश्वास भी डगमगा रहा है। क्या सच में भगवान होते हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मंदिर रोज क्यों जाते हैं? मंदिर जाना अब मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है, इसलिए मैं मंदिर रोज जाता हूँ। कुछ और समय बीता। वो पुजारी बूढ़ा हो रहा था और राजा भी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन राजा का एक नियम था कि महाराज रोज मंदिर जाते। एक दिन राजा की तबीयत खराब होने पर राजा ने सिपाही के हाथों पुष्पमाला भेजी और सिपाहियों से कहा, पंडित जी को कह देना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमारा इंतजार ना करें क्योंकि हम आज नहीं आ पाएंगे। सिपाही ने जाकर पुजारी को पुष्पमाला दी और पंडित जी को सारी बात कह बताई। पंडित जी ने श्री कृष्ण को पुष्पमाला अर्पित की तो पंडित जी ने सोचा, इतने वर्ष हो गए, भगवान का ये हार हमेशा राजा ने पहना है, लेकिन मैंने खुद आज तक इसे कभी नहीं पहना, तो आज इतने वर्षों के बाद मुझे भगवान के इस हार को धारण करने का अवसर मिला है। ये निश्चित रूप से भगवान की इच्छा है। इस बार पंडित जी ने वो हार अपने गले में डाल दिया। तभी सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, राजा साहब मंदिर आ रहे हैं क्योंकि वहाँ महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। आप सारी तैयारियां करके रखें। इतने सालों से चली आ रही परंपरा को राजा तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो मंदिर आने के लिए निकल रहे हैं। महाराज बस थोड़ी ही देर में मंदिर पहुंच जाएंगे। पंडित जी ने तुरंत गले से हार उतार कर भगवान को अर्पण कर दिया। पंडित जी ने सोचा कि यदि महाराज को पता चल गया तो वे उसे दंड देंगे। जब महाराज आए तो प्रतिदिन की भांति पंडित जी ने भगवान के गले से हार उतार कर महाराज को पहना दिया, लेकिन राजा की नजर माला पर पड़ी। माला पर सफेद बाल गिरे हुए थे और उन्होंने महसूस किया कि सफेद बाल पुजारी के हैं। महाराज ने पुजारी से पूछा, क्या तुमने ये माला पहनी थी? नहीं महाराज, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। फिर इस माला पर सफेद बाल कहाँ से आए? पुजारी जी डर गए और डर के मारे कहा, महाराज ये सफेद बाल श्री कृष्ण के हैं, ये तो भगवान के ही हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो। तुमने ये माला पहनी थी और अब अपने झूठ को छुपाने के लिए बाल कृष्ण के बाल सफेद हो गए कह रहे हो। महाराज मैं सच कह रहा हूँ, ये सफेद बाल बाल श्री कृष्ण के ही हैं। बाल श्री कृष्ण के बाल कब सफेद हुए? महाराज कुछ वर्षों पहले ही बाल श्री कृष्ण के बाल सफेद हो गए थे। महाराज को पुजारी की बात पर तनिक भी विश्वास नहीं था। उन्होंने पुजारी से कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो मैं कल सुबह के समय बाल श्री कृष्ण के श्रृंगार के पहले आऊंगा और अपने आंखों से देखूंगा कि उनके बाल सफेद हुए हैं या नहीं। परंतु याद रखना, अगर बाल श्री कृष्ण के बाल काले हुए तो
तो इस फरेब के लिए तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। महाराज नाराज होकर चले गए और दूसरी तरफ पुजारी को अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। तभी पुजारी की धर्मपत्नी मंदिर में आई। क्या बात है पुजारी जी, आज आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या बताऊं तुम्हें, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और मुझे उस पाप की सजा भी मिलने वाली है। कैसा पाप, आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे साफ साफ बताइए। आज मैंने अपने मन की चंचलता के कारण भगवान के गले की माला अपने गले में डाल ली और डर के कारण खुद पहनी हुई माला को निकाल कर वापस भगवान के गले में डाल दिया। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ भी हो गया और मेरी सजा भी निश्चित हो गई। इस अपराध के लिए महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। आपने ये बात महाराज को क्यों बताई? पुजारी ने फिर सारी बात अपनी पत्नी से कही। परंतु बाल कृष्णा के बाल तो काले हैं, फिर आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? आप महाराज को सच बोल देते और माफी मांग लेते, वे अवश्य आपको माफ कर देते। हाँ, ये करना ज्यादा उचित था, परंतु मैंने महाराज के डर से उनसे झूठ कह दिया था कि बाल श्री कृष्ण के बाल सफेद हो गए हैं। अब कल सुबह जब महाराज आएंगे और बाल श्री कृष्ण के बाल काले देखेंगे तो मुझे फांसी पर लटका देंगे। क्या इस सजा से बचने का कोई उपाय नहीं है? मुझे तो कोई उपाय नहीं दिख रहा। अब मैं भगवान से जाने अनजाने में किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा और अपने अगले जन्म के लिए प्रार्थना करूंगा। तुम घर जाओ, आज मैं रात को यही मंदिर में रहूंगा भगवान के चरणों में। मैं भी यही भगवान के चरणों में ही रहूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि आपके द्वारा की गई भूल की आपको माफी दे दें। दोनों पति पत्नी मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। पुजारी भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है और उनसे बोलता है, भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे लोभ हुआ और सोचा कि ये माला मैं भी पहन लूं। भगवान मुझे बचा लो, नहीं तो कल मैं निश्चित रूप से महाराज के हाथों मारा जाऊंगा। पुजारी पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा, रोता रहा। पुजारी जी, बाल श्री कृष्ण का मुकुट उतारिए, मैं उनके बाल देखना चाहता हूं। जी महाराज, जैसा आपका आदेश। पुजारी ने घबराकर बाल श्री कृष्णा का मुकुट हटा दिया और मुकुट के हटते ही महाराज के होश उड़ गए, क्योंकि बाल श्री कृष्णा की मूर्ति के बाल सफेद थे। लेकिन महाराज को लगा कि पुजारी ने फिर से कोई चाल चली है और अपनी जान बचाने के लिए पुजारी ने बाल श्री कृष्णा की मूर्ति के बाल रंगे होंगे। मैं जानता हूँ आपने अपनी जान बचाने के लिए बाल श्री कृष्ण के बाल सफेद रंग में रंग दिए हैं। पुजारी डर और आश्चर्य से भरा होता है और हकलाता हुआ महाराज से कहता है, महाराज क्षमा करें, परंतु मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। महाराज अपने मन की दुविधा को दूर करने के लिए जांच के उद्देश्य से बाल श्री कृष्णा के सर से एक बाल खींच कर तोड़ देते हैं और जैसे ही महाराज बाल श्री कृष्णा के सर से भगवान का बाल उखाड़ते हैं, वैसे ही बाल श्री कृष्णा की मूर्ति के सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर महाराज भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। हे बाल श्री कृष्ण, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं सही और गलत को भूल कर संदेह में इतना अंधा हो गया। भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजन आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते हैं, इसलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति हूं। लेकिन इस पुजारी को मुझ में भगवान दिखा तो मुझे उसकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफेद करने पड़े और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आना पड़ा। भगवान मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे समझ में आ गया कि भगवान की पूजा करना और भगवान में आस्था रखना दोनों
बहुत अलग अलग बातें हैं, शायद इसलिए आज तक आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। राजन, मैं तो आस्था का भूखा हूं, भोग और प्रसाद का नहीं। जिसकी जैसी आस्था होती है उसको वैसा ही फल देना मेरा काम है। उसके बाद राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने न सिर्फ आप पर बल्कि अपने परमात्मा पर भी विश्वास नहीं किया। महाराज, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूं, क्योंकि लालच के कारण मैंने भगवान के गले की माला अपने गले में डाली और फिर डर के कारण उस माला को वापस भगवान के गले में डाल दिया। पुरोहित जी, आपने जो किया वो अपराध नहीं है, वो तो कुछ क्षण की माया थी, परंतु मैंने तो इतने साल जो किया वो लालच के कारण किया और अपने ही परमात्मा पर विश्वास नहीं किया। परंतु अब मैं जीवन के इस सत्य को जान चुका हूं, इसलिए आज से मैं स्वयं अपने हाथों से बाल श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। लेकिन अब ये सेवा मैं औलाद की लालसा में नहीं करूंगा, ये सेवा मैं उन्हें अपनी औलाद मान कर करूंगा। उस दिन के बाद महाराज और महारानी ने भगवान का श्रृंगार सेवा सब अपने हाथों से करना शुरू कर दिया, उन्हें एक सजीव रूप में समझकर। और बहुत जल्द बाल श्री कृष्णा ने महाराज और महारानी के यहाँ एक बालक के रूप में जन्म लिया। महाराज महारानी से बोले, भगवान की लीला भी कैसी अनोखी है। जब हम औलाद की लालसा में पूजा पाठ दान धर्म करते थे तब भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे थे, और आज जब हमने बाल श्री कृष्ण को ही अपनी औलाद मान लिया तो उन्होंने हमें ये बालक दे दिया। महाराज, तभी तो कहते हैं कि ऊपर वाले की लीला वही जानता है। महाराज ने उस बालक का नाम कृष्णसेन रखा। कहा जाता है कि पत्थर में भी परमात्मा होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं, आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में पूछेंगे। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना शर्त विश्वास रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते रहें। सर्वशक्तिमान आपको निश्चित रूप से फल देंगे।